वेलकम भाई। इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता का सूत्र प्राप्त करेंगे। आपको ये बताया गया संधारित्रों के संयोजन की दो विधियां हैं, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता के लिए सूत्र आप प्राप्त किए थे, 1/C=1/C1+1/C2+1/C3, अर्थात श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग संधारित्र की धारिता के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता का सूत्र, समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता का सूत्र। चित्र में तीन संधारित्र C1, C2 और C3 समांतर क्रम में जुड़े। चित्र का वर्णन पेपर में आवश्यक नहीं होता, लेकिन चित्र स्पष्ट होना चाहिए। अगर आप वर्णन करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। चित्र में तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2 व C3 हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। बिंदु A को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, क्योंकि ये संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसके पहले संधारित्र पर आवेश से डिवाइड हो जाते हैं। पहले संधारित्र की पहली प्लेट पर प्लस क्यू आवेश जाता है, Q1 आवेश जाता है। प्रेरण की घटना के कारण सामने वाली प्लेट पर माइनस Q1 आवेश हो जाएगा। दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर प्लस Q2 आवेश, प्रेरण की घटना के कारण इसमें माइनस Q2 आवेश सामने वाली प्लेट पर होगा। और तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर प्लस Q3 आवेश और प्रेरण की घटना के कारण माइनस Q3 आवेश हो जाता है। और इनके ऊपरी पृष्ठों पर आपको बताया गया बाहरी पृष्ठों पर A आवेश होंगे, यहाँ प्लस Q1 होगा, यहाँ प्लस Q2 होगा, यहाँ प्लस Q3 होगा। बाद में ये बिंदु B पर मिल जाएंगे, प्लस Q के बराबर ही होगी क्योंकि आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। इसको पृथ्वी से इसलिए कनेक्ट किया जाता है क्योंकि पृथ्वी में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इस प्लस Q आवेश को निरावेशित कर देते हैं, अर्थात इस प्लस Q आवेश को हटाना होता है जो बाहरी प्लेट पे होते हैं, तब ये समांतर प्लेट संधारित्र की भांति का व्यवहार करते हैं। A और B के बीच का तुल्य विभवांतर भी है, या कुल विभवांतर भी है। अब धारिता की परिभाषा से आप जानते हैं C=Q/B, संधारित्र की धारिता की परिभाषा C=Q/B। संधारित्र की दोनों प्लेटों में से किसी एक प्लेट को दिया गया आवेश तथा प्लेटों के बीच के विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, C=Q/B। इसका एसआई प्रणाली मात्र कूलम प्रति वोल्ट है, इसे फैराड भी कहते हैं। यदि A और B के बीच का तुल्य विभवांतर V है, तब Q1 बराबर आप लिख सकते हैं C1। जैसे Q बराबर CV होता है, पहले संधारित्र के लिए Q1 बराबर हो जाएगा Q1 बराबर C1। आपसे ये भी पूछा जाता है, समांतर क्रम में जुड़े संधारित्र में विभवांतर का मान समान रहता है, तो Q1=C1V, इस प्रकार Q2=C2V, Q3=C3V। ये भी बताया गया संधारित्र को प्लस क्यू आवेश दिया गया जो तीन आवेशों में टूटा है, Q1, Q2 और Q3, लेकिन आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। पहले चैप्टर में आवेश के जो दो गुण बताए गए थे उसमें यही लिखाया गया, आवेश का क्वांटीकरण होता है और आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, अर्थात Q=Q1+Q2+Q3। Q1 की वैल्यू पुट कर दीजिए C1V, Q2 की वैल्यू C2V, Q3 की वैल्यू C3V। भी कॉमन हो गया, यहाँ से भी कॉमन कर लिए तो Q=V C1+C2+C3। अब यह तीनों संधारित्रों की तुल्य धारिता C है, तो आप या तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक ऐसा संधारित्र रख दिया जाए जिसकी तुल्य धारिता C है, तो आप लिख सकते हैं C=Q/B या Q=CV। Q=CV आ रहा है, तो C=V × C1+C2+C3। वी से वी कैंसिल हो गए, तो आपको मिलेगा C=C1+C2+C3। अब इसको आप जनरलाइज भी कर सकते हैं, C=C1+C2+C3। इसको जनरलाइज करेंगे तो आप ये लिख सकते हैं, समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता अलग अलग संधारित्र की धारिता के योग के बराबर होती है। समांतर क्रम में जुड़े संधारित्र की तुल्य धारिता अलग अलग संधारित्र की धारिता के योग के बराबर होती है। तीन से अधिक संधारित्र जुड़ेंगे, पानी के चार संधारित्र जुड़ गए, तो यहाँ चौथे संधारित्र की धारिता आपको
लिखनी पड़ेगी। सी फोर यंग संधारित्र जुड़ेंगे तो प्लस डॉट डॉट करके ऐसे ही आप आगे लिखेंगे। अब आप कंपेयर कर सकते हैं समांतर और श्रेणी क्रम में डिफरेंस क्या है। श्रेणी समांतर क्रम के लिए यह सूत्र है, श्रेणी क्रम के लिए आपको बताया गया था वन अपान सी इक्वल टू वन अपान सी वन प्लस वन अपान सी टू प्लस वन अपान सी थ्री। श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग संधारित्र की धारिता के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।